हेलो गाइस, कैसे हैं आपको गाइस? आज हम लोग आए हैं होलीडेज के लिए काना ताल में, और काना ताल के अंदर एक रिजोर्ट है क्लब महिंद्रा का, उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। बहुत ही शानदार रिजोर्ट है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ। और ये जो रिजोर्ट है ये मसूरी से 48 किलोमीटर पर है, और ऋषिकेश से ये रिजोर्ट जो है 73 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ऋषिकेश की तरफ से आना, क्योंकि रोड बहुत अच्छी है, उधर से आना भी ईजी है। क्योंकि पहले आप अगर आप मसूरी की तरफ से आएंगे तो पहले मसूरी आएंगे, उसके बाद इस रिजोर्ट में आएंगे, तो ये काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता है। लेकिन अगर ऋषिकेश की तरफ से आ रहे हैं नॉर्मली आप 2 आवर्स के अंदर यहाँ आ सकते हैं। ये है इस रिजोर्ट की एंट्री। ये रोड मसूरी धनोल्टी होते हुए आई है, और ये है सामने कोडिया इको पार्क, जंगल सफारी कर सकते हैं। वैसे कोई खास है नहीं यहाँ पे जंगल सफारी के लिए। और ये रोड ऋषिकेश वाली साइड से आई है चंबा होते हुए, और ये है हमारा रिजोर्ट। चलिए रिजोर्ट में चलते हैं। ये देखिए गाइस, सामने है इसका रिसेप्शन रेस्टोरेंट एरिया, और ये देखिए सामने का व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। बेसिकली एक जंगल प्रॉपर्टी यही है, और छोटी है, ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। नीचे की तरफ पार्किंग हो जाती है इसकी, और इसके अंदर टोटल 37 रूम्स हैं, जिसके अंदर 3 1-बेडरूम हैं, बाकी एचयू यूनिट्स हैं। अब चलते हैं अंदर। ये है जिसका रिसेप्शन, काफ़ी अच्छा इंटीरियर इसके अंदर आपको मिलेगा। ये क्लब महिंद्रा की बेसिकली सबसे छोटी प्रॉपर्टी है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए जो है अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, ये है आपका, जैसे आप रिजोर्ट में आएंगे ये आपका वेटिंग एरिया हो जाता है। वेलकम ड्रिंक्स ऑन अराइवल आपको यहाँ मिलेंगे, और रिसेप्शन के ठीक पीछे ये बार हो जाता है सामने की तरफ, और एक रेस्टोरेंट हो जाता है इसमें। और ये सब एरिया आप देखिए, तो यहाँ पर इवनिंग प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं शाम के टाइम में। ये इधर रेस्टोरेंट है, चलिए मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ इसको। ये देखिए गाइस, जो रेस्टोरेंट है इसका, यहाँ पर आप बुफे इंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। मोस्टली ब्रेकफास्ट और डिनर में ही बुफे लगाते हैं, लंच में आजकल नहीं लगा रहे क्योंकि लोग कम होते हैं यहाँ पर। और एक टाइम में आपको 10 से 12 डिश आपको यहाँ खाने की मिल जाती है, वेज और नॉन वेज। अगर आप यहाँ बूफे लेते हैं तो बूफे लेना ही फ़ायदेमंद है। ब्रेकफास्ट और डिनर आपको 1700-1800 में मिल जाएगा। अगर आप आला कार्टे लेते हैं तो खाना बहुत ही महंगा आपको यहाँ मिलेगा, तो बेस्ट है अगर आप रिजोर्ट में हैं तो यहाँ पर आप जो है बूफे सर्विस इंजॉय करिए। ये देखिए साइज, कितना शानदार खूबसूरत नज़ारा है इस टाइम। और अभी ये मार्च का महीना है तो स्नो मिली हमें यहाँ पर। नीचे की तरफ रूम्स हो जाते हैं, और ये ओपन एरिया रेस्टोरेंट का, जहाँ बैठ कर आप खाना अपना एंजॉय कर सकते हैं और वादियां निहार सकते हैं। रेस्टोरेंट के ठीक सामने ये जो ओपन स्पेस है, यहाँ पे इवनिंग प्रोग्राम वगैरह होते हैं कभी कभार, और इधर हो जाता है बार, जहाँ पर आप अपनी थकान मिटा सकते हैं, कुछ एंजॉय कर सकते हैं बार के अंदर। चलिए बार को अंदर से भी दिखा देते हैं, क्योंकि अगर आपको अंदर से नहीं दिखाया तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा कुछ मेरे भाइयों का। तो ये है वो जगह जहाँ पर आप बैठ के अपने गम भुला सकते हैं और धुआंधार पारी खेल सकते हैं। बस थोड़ा लिमिट में रहना और एंजॉय करना। बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है इस बार का। और ये है गाइस पार्किंग एरिया रिसेप्शन और रेस्टोरेंट के ठीक सामने। ये देखिए, तो ये मेरी फैमिली जो एंजॉय कर रही है, मेरी कार के सामने बर्फ पड़ी हुई है बहुत सारी, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो पार्किंग यहाँ करिए, और सामने का नज़ारा देखिए क्या ज़बरदस्त है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। ये देखिए, कल रात यहाँ काफ़ी स्नो पड़ी है, अब सुबह भी पड़ रही थी स्नो जब मैं वीडियो बना रहा था, तो अभी रुकी है। ये देखिए आप, तो मोस्टली अगर स्नो एंजॉय करना है तो यहाँ स्नो पड़ती है बहुत कम, तो जनवरी फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको स्नो मिल सकती है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, और ये प्रॉपर एक जंगल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना आपको। और रिसेप्शन के ठीक नीचे ये है हैप्पी हब, पार्किंग के ठीक सामने, और जहाँ पर आप बहुत सारे गेम्स इंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको लूडो मिल जाएगी, चेस मिल जाएगी, इसके अलावा टेबल टेनिस वगैरह, और ये अपना स्नूकर टेबल, एयर हॉकी, और बच्चों के लिए भी बहुत सारी पेंटिंग क्लासेस वगैरह इस तरह की होती रहती हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ अगर आ रहे हैं तो अपना टाइम बहुत अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि आसपास घूमने के लिए कोई खास जगह नहीं है, तो यहाँ टाइम आपका बहुत अच्छा स्पेंड हो जाएगा। ठीक है, एयर हॉकी वगैरह भी, यहाँ लाइट नहीं आ रही, लाइट की प्रॉब्लम है इस एरिया में फ़िलहाल, तो इसलिए लाइट नहीं जल रही है। तो जैसे बच्चे हैं छोटे आपके, यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं गाइस। अभी हम लोग हैं सेकंड फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर पर है इसका बहुत ही शानदार जिम, लेकिन छोटा जिम है, मैं दिखा देता हूँ आपको।
ये देखिए भाई, हाहा व्यू देखिए कितना शानदार है यहाँ से, और इधर इसका जिम, ये देखिए स्नोफॉल, ये है जी जिम इसका, छोटा है पर चारों तरफ से ग्लास और सामने का जो व्यू है वो बहुत ही शानदार है। और ये रिजॉर्ट के रूम्स। चलिए गाइस अब चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर पर जहाँ पर इसका स्विमिंग पूल और स्पा एंड मसाज सेंटर है। इस वाली बिल्डिंग में स्पा और मसाज क्लब महिंद्रा की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, और 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको एक अच्छी मसाज मिल जाएगी यहाँ पर। और ये स्पा मसाज रूम है, और इधर की तरफ हो जाता है इसका स्विमिंग पूल जो कि मोस्टली बंद ही रहता है, क्योंकि इस एरिया में पानी की कमी है तो इसलिए स्विमिंग पूल मोस्टली टाइम बंद ही रहता है, और वैसे भी मार्च का महीना है अभी, छोटा स्विमिंग पूल है। चलिए अब मैं आपको स्पा एंड मसाज वाले रूम्स दिखा देता हूँ। इंटीरियर आप देख ही चुके हो, आपको यहाँ मोस्टली वर्ल्ड क्लास स्पा एंड मसाज मिलेगा सेपरेट एकदम। 2 रूम्स यहाँ पर फीमेल के लिए हैं और 2 रूम्स यहाँ मेल्स के लिए हैं। इधर की तरफ है इसका वॉशरूम और स्टीम बाथ वगैरह ले सकते हैं इस साइड में आप। और ये देखिए अभी यहाँ लाइट गई हुई है तो अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा है, देख रहे हो कितना स्पेस है। इसके अंदर टोटल 4 रूम्स हैं स्पा और मसाज के लिए। मैं आपको एक रूम दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस कुछ ऐसा है ये मसाज रूम इसका, ये साइड वाला है या कुछ अलग तरह की थेरेपी होती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये 3rd रूम है इसका, और इसके अंदर सोना वगैरह भी ले सकते हैं आप। चलिए गाइज अब फाइनली इसके रूम्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रूम्स हैं और ग्राउंड फ्लोर पे ये मेरा रूम है, अंदर चलते हैं। ये है HU यूनिट, यानी HU यूनिट का मतलब होता है 2 एडल्ट्स के लिए, ठीक है। और जो स्टूडियो होती है वो 3 एडल्ट्स के लिए होती है, तो इसमें एक्स्ट्रा बेड नहीं है इसलिए HU यूनिट है। तो ये शानदार रूम है इसका, जिसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन पुराना है क्योंकि काफ़ी पुराना रिजोर्ट है, ये होटल ही कहेंगे इसको, कि रिजोर्ट जितना साइज़ तो नहीं है इसका, ठीक है ना। ये नीचे की तरफ इसका फ्रिज हो जाता है और इलेक्ट्रिक केटल वगैरह, कॉफ़ी वगैरह बना के पीना चाहें। और ये है इसका स्टोरेज एरिया, ये देखिए गाइस, सीलिंग में भी एक जंगल वाली थीम ही दिखाई है लकड़ी का पैनल बना के। और ये है इसका हीटर, तो गर्मियों में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन सर्दियों में दबा के ज़रूरत पड़ती है। तो ये शानदार रूम हमारा हो गया, और यह है इसका शानदार वॉशरूम। और जिस होटल के वॉशरूम अच्छे नहीं होते तो वहाँ आप रुकना मैं पसंद नहीं करता, आप देख रहे हो वहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसका वॉशरूम है। यही खास बात है क्लब महिंद्रा की, आपको रूम बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, भले चाहे होटल छोटा हो। वैसे तो क्लब महिंद्रा के बहुत ही बड़े बड़े होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, लेकिन ये छोटा है उनमें, ये देखिए आप। चलिए अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, मेरे रूम से कुछ ऐसा व्यू है। ऊपर वाले रूम्स का भी कुछ ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चूंकि यहाँ बाहर का स्पेस मुझे मिल रहा है, ऊपर वाले रूम में नहीं मिलता मुझे स्पेस, तो इसलिए मैंने नीचे का रूम बुक कराया था यहाँ पे। तो देखिए बर्फ़ जमी हुई कितनी अच्छी लग रही है, सब जगह पड़ी थी रात में, सुबह में भी कुछ बर्फ़ पड़ी है। ये है जी शानदार नज़ारा यहाँ का, ये मेरी बेटी इन्जॉय कर रही है, इसी के लिए रूम बुक कराया था मैंने नीचे का बाहर खेलने के लिए। ये है जी शानदार, कैसा लगा आपको रिजॉर्ट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। 2-3 दिन स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये गाइस। अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटी का शौक़ है तो रिजोर्ट से तकरीबन 500 मीटर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये कि ये एडवेंचर जोन बनाया हुआ है, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्होंने रखी हुई हैं। ये क्लब महिंद्रा की नहीं है, आपको अलग से ही बुक करना होगा, 2-3 हज़ार रुपये में आप यहाँ सारी एक्टिविटीज़ वगैरह इन्जॉय कर सकते हैं। गाइस कानाताल 2 नाइट्स के लिए बहुत ही अच्छी लोकेशन है घूमने के लिए। रिजोर्ट के ठीक सामने कोडिया इको पार्क है, जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं, कार बाहर से मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ से तकरीबन 32 किलोमीटर पर टीरी डैम है, जहाँ पर आप बोटिंग वगैरह एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ की जो लेक है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज ये रिजोर्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।